दोनों ही बार बच गया मैं, और एक्सीडेंट होते होते तो तकरीबन 17 किलोमीटर का लंबा सफर था। और काफी गुस्से में आ गई तो माता ने शिव जी को ही अपने अंदर निगल। और यहाँ के पहाड़ आपको बिल्कुल एकदम शिमला वाली वाइब्स देंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आपका एक बार फिर से स्वागत है मैंने मेरे नए ब्लॉग में। आज जा रहे हैं धूमा देवी, और यहाँ से तकरीबन मंदिर से 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर है धूमा देवी करके, और बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन चढ़ाई का ही रास्ता मिलते हैं आपको, कांगड़ी के पास। ये भी एक शायद यहाँ पे माता का मंदिर है, बट जो मैं यहाँ पे सामने देख पा रहा हूँ ये है शिव धाम, जो रिसेंटली जिसका वर्क शुरू हुआ है मंडी में। एक्चुअली मैं थर्ड टाइम विजिट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा रास्ता जाता है, बिकॉज यहाँ से काफी ज्यादा लीक रोड है। काफ़ी अच्छा मौसम आज, और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम जो मैं कह सकता हूँ वो है अप्रैल मई का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, एकदम चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने का। काफ़ी अच्छी जगह थी, तो मैं थोड़ी देर रुक के यहाँ बैठ लिया और थोड़ा सा आराम कर लिया मैंने। काफ़ी दूर आ चुका हूँ, और तकरीबन यहाँ से मझवाड़ रह जाता है 4 किलोमीटर दूर। और अभी रिसेंटली और बिल्कुल शिवधाम के पास मुझे 2 गाड़ियाँ मिली, और काफ़ी क्लोज रास्ता है तो गाड़ियों वालों को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बट काफ़ी क्लोज था, और काफ़ी दोनों ही बार बच गया मैं, और एक्सीडेंट होते होते तो काफ़ी। तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है अगर आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो कि मुझे आगे जाके मैं परचेज कर लूँगा अपनी ज़रूरत का सामान, तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। शायद हर रोज़ ये दुकानें खुली नहीं होती है, शायद आज ऐसा भी हो, क्योंकि हो भी यहाँ पर दुकानें पर आज खुली नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो रास्ते में भी मैं रुका हूँ थोड़ी देर, यहाँ पर मुझे एक मंदिर दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं जोगनी। ये भी शायद एक माता का मंदिर है जोगनी माता करके, तो चलिए दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हम धूमा देवी, और आगे का व्यू मैं आपको मोबाइल के कैमरा से बताऊंगा। धूमा देवी मंदिर, और काफ़ी देर सफ़र करने के बाद तकरीबन 17 किलोमीटर का लंबा सफ़र था, और बीच में काफ़ी ज़्यादा रास्ता कभी मुश्किल भी है, और काफ़ी बीच बीच में आपको अच्छा भी मिलेगा रास्ता, और काफ़ी मुश्किल भी है। और मैं पहुँच चुका अभी धूमा देवी मंदिर, तो आज मैं अकेला आया था, तो अभी मैं दर्शन करने जा ही रहा था, तो मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो पूजा पाठ के लिए धूप लेना भूल गया हूँ, तो मैं धूप लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 शॉप्स है जो कि जहाँ पे आपको आपका ज़रूरत का सामान मिल जाएगा, और अभी धूप ले लिया है, तो चलिए करते अभी थोड़ा सा यहाँ पर माता का दर्शन कर लेते हैं जिस काम के लिए आए। और माता के दर्शन करने के बाद अभी मैं निकल चुका हूँ बाहर, तो अंदर मैं काफ़ी देर बैठा, वहाँ पे थोड़ी देर में पुजारी के साथ बैठा था, और वहाँ पे थोड़ा माता की जो
हिस्ट्री है उसके बारे में मैंने पढ़ा। तो जैसा कि गाइस मैं बात कर रहा था, धूमावती या जो यहाँ के स्थानीय लोग जिस नाम से माता को जानते हैं, धूमा देवी माता, तो माता के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी वर्षों पहले माता कैलाश पर्वत में शिव जी के साथ, भोलेनाथ के साथ तपस्या कर रही थी। और तपस्या करते करते जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग पड़ी तो शिव जी से कहने लगी कि मुझे खाने को दो। लेकिन शिव जी ने उनकी बातों पे, भोलेनाथ ने उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वे अपनी तपस्या में लीन रहे। लेकिन काफ़ी देर बाद जब माता क्रोधित हो गई और काफ़ी गुस्से में आ गई तो माता ने शिव जी को ही अपने अंदर निगल लिया। और जिसके बाद शिव जी, जो माता के अंदर से धुआं निकला, तो शिव जी ने माता को धुआंवती नाम दिया कि आपको आज के बाद इसी नाम से, आप इसी नाम से विख्यात होंगे। तो ये मंदिर तकरीबन आपको मंडी से 15 किलोमीटर दूर ऊपर मझभाड़ रोड पे आके, मझभाड़ रोड से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर आगे जाके मिलेगा। और बहुत ही हाइट पे ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ के पहाड़ आपको बिल्कुल एकदम शिमला वाली वाइब्स देंगे। और काफ़ी हाइट पे जाके मंदिर बनाया गया, बहुत खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे 2-3 शॉप्स मिली जहाँ पे प्रसाद वगैरह और खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पे एक फास्ट फूड भी था, तो हमने लिए कुछ मोमोज पैक करवा लिए। थोड़ी देर यहाँ पे और बैठने वाला हूँ, बिकॉज़ मुझे काफ़ी पीसफुल जगह लगी है, बहुत ही शांत। और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं।